जैन बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बच्चों, रात के 2 बजे हैं और हम लोग शुरू कर रहे हैं आज आपके लिए परकिन रिएक्शन। तो आइए जानते हैं क्या होती है परकिन रिएक्शन। इट इज एनालोगस टू एल्डोल कंडेंसेशन वेयर एरोमेटिक एल्डिहाइड ऑन ट्रीटिंग विद एसिड एनहाइड्राइड हैविंग एटलीस्ट 2 alpha H atom इन प्रेजेंस ऑफ बेस गिव्स अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। जिन लोगों को एल्डोल कंडेंसेशन आता है उनके लिए ये रिएक्शन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। तो बच्चों, एल्डोल कंडेंसेशन के काफी हद तक ये सिमिलर रिएक्शन होती है, बिल्कुल वैसी ही होती है जहां पर एरोमेटिक एल्डिहाइड की रिएक्शन एसिड एनहाइड्राइड से कराई जाती है बेस की प्रेजेंस में। और यहाँ पर जो आपका एसिड एनहाइड्राइड रिएजेंट है वो ऐसा होना चाहिए कि उसमें कम से कम 2 alpha H atom हो ही हो, तभी जाके हमारी परकिन रिएक्शन होगी। याद कीजिए, एल्डोल में आपने क्या किया था, एल्डोल में आप करते थे कि आपका एल्डिहाइड ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर कम से कम 1 alpha H atom हो। बस यहां पे एनहाइड्राइड के अंदर 2 alpha H होने चाहिए। तो आइए जानते हैं कैसे क्या होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारा एरोमेटिक एल्डिहाइड है, सबस्ट्रेट है, ये हमारा रिएजेंट है। आप देख पा रहे हैं ये एसिड एनहाइड्राइड लिया हुआ है। और मजे की बात देखिए, यहाँ पर एनहाइड्राइड में जो अल्फा कार्बन है उसके पास 3 alpha H है, 3 यहाँ पर, 3 में, यहाँ पर कम से कम 2 होने चाहिए थे लेकिन यहाँ पर 3 है, यानी कि ये बहुत अच्छा यहाँ पर रिएजेंट है, बहुत अच्छा एसिड एनहाइड्राइड है परकिन रिएक्शन के लिए। बेस की प्रेजेंस में हम इसको हीट करते हैं और तब जाके यहाँ पर जो हमारा एरोमेटिक एल्डिहाइड है वो कन्वर्ट हो जाता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड में। बच्चों, यहाँ पे अगर बेंजीन रिंग लिखा है तो इसको बीटा एराइल अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड कहते हैं, लेकिन उसके लिए सबस्ट्रेट में एरोमेटिक एल्डिहाइड का लेना जरूरी है। तो यहाँ पे आपने एरोमेटिक एल्डिहाइड की रिएक्शन कराई ऐसे एसिड एनहाइड्राइड के साथ में जिसके पास कम से कम 2 alpha H हो बेस की प्रेजेंस में। जब उसको हीट किया तो आपको मिल गया अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड या फिर बीटा फिनाइल अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, और एसिटिक एसिड यहां पर साइड प्रोडक्ट होगा। तो ये हमारी परकिन रिएक्शन है। बच्चों, इसका एक कॉमन नेम भी होता है, इसको आपने अगर देखेंगे तो आपको बुक के अंदर, नोट्स के अंदर ये सिनेमिक एसिड के नाम से भी मिल जाता है। तो परकिन रिएक्शन मशहूर है एरोमेटिक एल्डिहाइड को सिनेमिक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए। अब थोड़ा और जानते हैं, रिएक्शन प्रोसीड्स वाया इनोलेट एनायन इंटरमीडिएट। बच्चों, परकिन रिएक्शन की खास बात है कि यहाँ पर बनने वाला जो रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है वो होता है इनोलेट एनायन, जिसके थ्रू ये रिएक्शन स्टार्ट होती है। परकिन रिएक्शन शोज रेजियो केमिस्ट्री टू गिव ई और जेड आइसोमर ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। बच्चों, ये जो परकिन रिएक्शन है ये रेजियो सेलेक्ट रिएक्शन का एग्जाम्पल है, क्योंकि यहां पर आपके 2 तरह के स्टीरियो आइसोमर बनते हैं, उनमें एक मेजर होगा और दूसरा माइनर या नेग्लिजिबल होता है। तो परकिन रिएक्शन ये क्लियर करती है कि यहां पर ये मेजर क्यों है और ये माइनर क्यों है। तो ऐसी रिएक्शन कहलाती है रेजियो सेलेक्टिव। क्या ये आपको क्लियर है? तो लगे हाथ अब बात कर लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ परकिन रिएक्शन की। बहुत ही ज्यादा सिस्टमेटिक रिएक्शन है, बड़ा ही मजा आने वाला है आपको। तो आइए शुरू करते हैं मैकेनिज्म। जो हमने शुरू में बताया था कि रिएक्शन जो शुरू होती है या जाती है वो जाती है इनोलेट आयन या इनोलेट एनायन इंटरमीडिएट के बनने के बाद। तो पहला स्टेप आप समझ गए होंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही, इनोलेट आयन का बनना। तो पहले स्टेप में जनरेशन ऑफ इनोलेट एनायन होगा। ये आपका बेस था सोडियम एसिटेट, ये ब्रेक डाउन होगा, आप जानते हैं आयनिक कंपाउंड है, इससे आपको एसिटेट एनायन और सोडियम आयन मिलेगा। यहां पर ये आपका है एसिड एनहाइड्राइड, तो एसिड एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन होगा। बच्चों, यहां पे आप जानते हैं कि ये जो कार्बन है ये यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बोनिल ग्रुप के एडजेसेंट है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करेगा और यहां से ये वाले बॉन्ड इलेक्ट्रॉन कार्बन ले लेगा और खुद कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन आयन में। क्या आपको क्लियर है? और यहां से एसिटेट आयन इस H को लेके चला जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं बेस को प्रोटॉन पसंद है, H प्लस को लेके एसिटिक एसिड बना के बाहर निकल जाएगा और जो यहां पे आपका रिएजेंट है वो कन्वर्ट हो गया है बंधु कार्बन आयन में। और यहां पे कार्बन आयन के बाजू में आपको बताया था कार्बोनिल ग्रुप है, तो ये कंजुगेशन की वजह से कन्वर्ट हो जाता है इनोलेट एनायन या इनोलेट आयन में।
स्टेप टू अटैक ऑफ इनोलेट आयन ऑन कार्बोनिल कार्बन ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड। देखिए आपका यहाँ पर ये एरोमेटिक एल्डिहाइड है, ये कार्बोनिल ग्रुप है, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन को अपने अटैक करेगा कार्बन पे, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, डेफिशिएंसी क्रिएट होगी। तो यहाँ पर ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं पाई इलेक्ट्रॉन जो है, ये कार्बन यहाँ पर इसके साथ कार्बोनिल कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन वापस आ जाएंगे, तो इसलिए ये रिएक्शन बहुत तेजी से होता है। और यहाँ पर देखिए ये हमारा बन गया है एल्कोक्साइड एनायन। आप जानते हैं कि आपका जो यहाँ पे एल्कोक्साइड एनायन बना है, इसके अंदर दो कार्बोनिल ग्रुप हैं, तो दूसरे कार्बोनिल ग्रुप में जो कार्बन होगा वो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी शो करता है कुछ ऐसे, और यहाँ से एल्कोक्साइड जो ऑक्सीजन है ये इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा अपने इलेक्ट्रॉन देने के बाद कुछ ऐसे। तो देखिए आपका जो यहाँ पे एल्कोक्साइड आयन था वो दूसरे एल्कोक्साइड आयन में कन्वर्ट हो जाता है कुछ इस तरीके से। ये देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन इसके साथ कंबाइन होगा, इस कार्बन पे मिथाइल लगा है और ये कन्वर्ट हो गया है ओ माइनस में। अब बच्चों यहाँ पर जैसे ये बनता है ये लेस स्टेबल होता है और यहाँ से ये रिंग कुछ ऐसे क्लीव होता है, जब इलेक्ट्रॉन वापस जाते हैं ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन वापस लेता है पाई बॉन्ड बनाने के लिए, तो यहाँ से जब रिंग खुलेगा तो यहाँ पे क्या होगा, ओ सिंगल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी एस थ्री और डबल बॉन्ड ओ। देखिए ये कीटोनिक ग्रुप है और देखिए यहाँ से आपका बन गया है कार्बोक्सिलेट एनायन। तो दूसरे स्टेप में आपको मिला कार्बोक्सिलेट एनायन, जबकि पहले स्टेप में आपको मिला था इनोलेट एनायन। बात करेंगे स्टेप थ्री की। स्टेप थ्री में होता है हमारा एसाइलेशन ऑफ कार्बोक्सिलेट एनायन। बच्चों जो दूसरे स्टेप में कार्बोक्सिलेट एनायन इंटरमीडिएट बना है उसका हम लोग करेंगे एसाइलेशन, यानी उसके अंदर एसाइल ग्रुप लगाते हैं। देखिए ये आपका कार्बोक्सिलेट एनायन था, ये हमारा एसिटिक एनहाइड्राइड है बच्चों। अब देखिए यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप में आप किसी भी कार्बोनिल कार्बन पर रिएक्शन करा सकते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, यहाँ से ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बोनिल कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने में यूज करेगा और यहाँ जैसे ये बॉन्ड बनाएगा तुरंत ये बॉन्ड क्लीव हो जाएगा और यहाँ से निकल जाएगा आपका एसिटेट एनायन बाहर। क्या समझ में आता है? और जब ऑक्सीजन इसके साथ बॉन्ड बनाएगा तो देखिए COCH3 ग्रुप यहाँ पे जुड़ता हुआ कुछ ऐसे दिखाई पड़ेगा। अब बात करेंगे स्टेप चार की। स्टेप चार में होता है एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन बाय द फॉर्म्ड एसिटेट एनायन। ये जो पहले स्टेप थ्री के अंदर हमारा एसिटेट एनायन यहाँ से ये बाहर निकला था, ये बेस का काम करता है और आप जानते हैं बेस को प्रोटॉन पसंद है। देखिए ये हमारा स्टेप थ्री से बना हुआ यहाँ पर इंटरमीडिएट है, यहाँ पर एसिटेट एनायन जो बना था वो यहाँ से इस वाले प्रोटॉन को लेके बाहर निकल जाता है क्योंकि उसके सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो जाते हैं और ये यहाँ से रिंग क्लीव होता है कुछ इस तरीके से। तो जब यहाँ पर ये H बाहर निकल जाएगा इस एसिटेट एनायन के साथ, क्योंकि ये बेस है, बेस को प्रोटॉन पसंद है, तो ये बन जाएगा माइनस CH3COH, ये बाहर निकल जाएगा, माइनस का मीन्स आउट, एस्केप आउट, बाहर निकल जाएगा और यहाँ से लगे हाथ CH3COO- भी बाहर निकलेगा। तो सर बचा क्या? बचा आपका CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COO CO CH3 जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आप इसको सिंपली अनसैचुरेटेड एनहाइड्राइड बोल सकते हैं। क्लियर है आपको? आपको याद हुआ पहले स्टेप में हमने क्या बनाया था? इनोलेट एनायन। दूसरे स्टेप में क्या बनाया था? कार्बोक्सिलेट एनायन। तीसरे स्टेप में क्या किया? एसाइलेशन ऑफ कार्बोक्सिलेट एनायन। और सर चौथे स्टेप में क्या किया? सर प्रोटॉन को बाहर निकाल के हमने बनाया अनसैचुरेटेड एनहाइड्राइड। और बच्चों लास्ट स्टेप हमारा पांचवा स्टेप होता है, इसमें अनसैचुरेटेड एनहाइड्राइड जो आपको ऊपर मिला था उसका हम लोग कर देते हैं हाइड्रोलिसिस। आप देखते हैं, आप जानते हैं कि वाटर पोलर होता है, जैसे ही आता है एनहाइड्राइड बॉन्ड जो होता है वो यहाँ से कुछ ऐसे क्लीव हो जाएगा, कार्बोनिल कार्बन जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, इस पर प्लस चार्ज आएगा, तो इस प्लस चार्ज जब यहाँ पर आएगा डेफिशिएंसी होगी, तो OH नेगेटिव पार्ट इस कार्बन पे कंबाइन होगा और O पे नेगेटिव चार्ज होगा, तो इससे H या प्रोटॉन कंबाइन हो जाएगा। तो देखिए क्या बनता हुआ दिखाई पड़ेगा, यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा OH, यहाँ बॉन्ड बनाएगा H, तो आपको ये दो प्रोडक्ट बनते हुए दिखाई देंगे। और हाँ, यही तो थे हमारे डिजायरेबल कंपाउंड प्रोडक्ट परकिन रिएक्शन की। ये बन गया है आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड यानी कि सिनेमिक एसिड, और ये बन गया है अपना एसिटिक एसिड। तो रुकिए रुकिए, जाइए मत, अभी तो सरप्राइज बाकी है बच्चों।
तो बच्चों आप जानते हैं, किसी भी रिएक्शन को, किसी भी रिएक्शन की मैकेनिज्म समझने के बाद प्रैक्टिस प्रॉब्लम सबसे जरूरी पार्ट होता है। उसी से हमको कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि वहीं से हमको पता चलता है कि हमने कितना सीखा और एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। ये तीनों केस आप देख रहे हैं, तीनों रिएक्शन में आप देखिए परकिन कंडीशन लगाया हुआ है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, पॉज कीजिए और बताइए क्या बनेगा। पर CHO ग्रुप जो है वो चेंज हो गया है, अनसेचुरेट अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड में। क्लियर है, यही बनाया था आपने, गुड। अब यहाँ पर सोचने वाली बात है, सर यहाँ पे तो आपको एल्डिहाइड देना चाहिए था, शायद आपने गलत लिख दिया है। नहीं बच्चों, मैंने गलत नहीं लिखा है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, यही दिया हुआ था। इसको बोलते हैं थैलिक एनहाइड्राइड, थैलिक एनहाइड्राइड होगा। तो ये काफी कॉमन रिएक्शन है, डिफरेंट एग्जाम में आ चुकी है, उम्मीद करता हूँ आपको भी मिलेगी। तो जब यहाँ पे परकिन कंडीशन लगाते हैं तो रिएक्शन कहाँ होगा, सर ये जो आप देख रहे हैं कार्बोनिल ग्रुप, यहीं पे तो रिएक्शन होगा। अगर मैकेनिज्म आपको याद हो, स्टेप टू याद हो, तो याद कीजिए ना, वहां पे जो रिएक्शन हुई थी इनोलेट आयन जो आपको मिलता है एनहाइड्राइड से, याद कीजिए ना जो रिएक्शन हुई थी मैकेनिज्म में स्टेप टू में कार्बोनिल कार्बन पे हुई थी, वहां पर इनोलेट एनायन मिला था एनहाइड्राइड से, वो रिएक्शन करता है। इन दोनों में से कहीं भी आप रिएक्शन कर सकते हैं। देखो मेरे लाल, प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ पर ये बन गया हमारा अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ भी बना सकते हैं या फिर यहाँ पे किसी एक जगह बनाइएगा। ये हमारा थर्ड है, ये सैलिसल्डिहाइड है। सैलिसल्डिहाइड को परकिन रिएक्शन में जब हम लोग यूज करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है क्यूमेरिन डेरिवेटिव में। बहुत अच्छी रिएक्शंस हैं ये दोनों तीनों, इनको आप कर लीजिए, उम्मीद है आपको एग्जाम में मिलेगा। और ये मल्टी स्टेप में आता है बच्चों, ध्यान रखिएगा। तो बच्चों ये हमारे तीनों क्वेश्चन के आंसर है, मैकेनिज्म वाइज इनको बना के देखिए, आपको मजा आएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको होते हुए याद रहेगी।